11th बायोलॉजी की क्लास में आपका बहुत स्वागत है। बच्चे, इसके प्रीवियस वीडियो में हमने पुष्पी पादपों का जो शरीर है, उसका जो विभाजन, जड़, तना और उसके सभी अंगों के बारे में पढ़ा था, और आज हम पढ़ेंगे उसी के अंतर्गत पादप ऊतक के बारे में। क्योंकि हमें पता है कि जो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो बॉडी या जो शरीर होता है, वो किससे निर्मित होता है? सेल, कोशिकाएं मिलकर के क्या बनाती हैं? ऊतक, ऊतक मिलके अंग और अंग मिलके अंग तंत्र, और इस प्रकार से पूरे शरीर की रचना होती है, चाहे वो जंतु का हो चाहे वो पादप का। तो चलिए आज हम इसी प्रक्रम में पढ़ेंगे पुष्पी पादपों की शरीर रचना के अंतर्गत पादप ऊतक। हमें पता है कि जो प्लांट होते हैं, प्लांट की बॉडी जो है वो एक डिफाइंड उसमें सिस्टमेटिक रहती है, शूट सिस्टम और रूट सिस्टम। रूट सिस्टम और शूट सिस्टम जो होता है वो किससे मिलके बना होता है? टिश्यू से बना होता है। और टिश्यू किससे मिलके बनते हैं? टाइप्स ऑफ सेल से मिलकर के बने होते हैं। तो यहाँ पर यदि हम किसी एक टीएस देख रहे हैं, तो हमको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि संवहन ऊतक, माने जो जल, खनिज लवण और भोज्य पदार्थों का संवहन करते हैं, उनको वास्कुलर टिश्यू या संवहन ऊतक कहते हैं। और ये होते हैं किसी भी पौधे में जाइलम और फ्लोएम, ये संवहन ऊतक कहलाते हैं। ग्राउंड टिश्यू यानी जो पौधे को यांत्रिक रूप से दृढ़ता प्रदान करते हैं, एज अ फिलिंग मटेरियल काम करते हैं, वो ग्राउंड टिश्यू कहलाते हैं। और तीसरा होता है डर्मल टिश्यू, जो कि अधिचर्म या चर्म लेवल के स्तर का निर्माण करते हैं। बाह्य पार्ट में जो भी हमको टच में यहाँ पे समझ में आ रहा है, वो सारा डर्मल टिश्यू कहलाता है। तो ये बेसिक तीन प्रकार के होते हैं, और इसके आगे भी इसको हमने डिवाइड किया हुआ है वैज्ञानिकों ने। एक स्लाइड में यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो ऊतक तंत्र है, वो यहाँ पर जो पौधे के जो टिश्यू हैं, वो दो भागों में मेनली बांटे गए हैं। पहला है मेरिस्टमेटिक ऊतक, मेरिस्टमेटिक ऊतक, और दूसरा है स्थायी ऊतक, परमानेंट ऊतक। अब आप ये सोचेंगे कि मेरिस्टमैटिक और स्थायी ऊतक, ये इस प्रकार से भी डिवीजन है तो क्यों है? क्योंकि जो मेरिस्टमैटिक टिश्यू रहता है, वो कहाँ पाया जाता है? पौधे के जहाँ भी ग्रोइंग एरियाज रहते हैं, जो भी ग्रोइंग पार्ट्स होते हैं प्लांट के, जैसे कि रूट के निचले सिरे पे और यहाँ पर तने के अग्रस्त भागों में, यहाँ पे क्या पाया जाता है? और वृद्धि करते, पार्श्व रूप से भी वृद्धि करते हुए क्षेत्रों में मेरिस्टमैटिक ऊतक पाया जाता है। ये जो ऊतक होता है, इसकी कोशिकाएं निरंतर सेल डिवीजन करती रहती हैं। दूसरा आता है परमानेंट टिश्यू या स्थायी ऊतक। ये क्या होता है? इसकी कोशिकाएं जो है आगे फर्दर सेल डिवीजन नहीं हो करती, और ये लिविंग स्टेज में रहती है। इसमें बहुत सारे, जैसे स्क्लेरेनकाइमा, ये बिल्कुल हार्ड हो जाते हैं, इसकी सेल्स डेड हो जाती हैं। क्लोरेनकाइमा, पेरेनकाइमा, इस प्रकार से। तो पेरेनकाइमा, क्लोरेनकाइमा जो सेल होती है, क्लोरेनकाइमा वाली, उसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट रहता है, जो कि ग्रीन कलर के होते हैं। तो इस प्रकार से ये भी प्लांट टिश्यू ऊतक को डिवाइड है। अब हम इसको एक चार्ट के माध्यम से समझें कि प्लांट टिश्यू, जैसा कि हमने बोला, मेरिस्टमैटिक सेल्स आर कैपेबल ऑफ सेल डिवीजन, अर्थात जो कोशिकाएं हैं उनमें कोशिका विभाजन की क्षमता रहती है। परमानेंट टिश्यू में अगर हम देखें, तो मैच्योर सेल्स आर इनकैपेबल ऑफ सेल डिवीजन, अर्थात जो मैच्योर, जो परिपक्व कोशिकाएं रहती हैं, वो आगे फर्दर सेल डिवीजन नहीं करती हैं। अगेन, परमानेंट टिश्यू को फिर से दो उसमें बांटा है, एक है सरल ऊतक में और दूसरा है जटिल ऊतक में। अर्थात ये भी परमानेंट, जो स्थायी ऊतक है, वो दो उसमें बट जाता है, सरल और जटिल। सरल ऊतक में जो होता है, टिश्यू कंपोज्ड ऑफ सिंगल टाइप्स ऑफ सेल, एक ही प्रकार की सेल्स इसमें पाई जाती हैं। इसका उदाहरण है पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, और ये हो गए सिंपल। और कॉम्प्लेक्स में यदि हम कहें, तो इसमें जो टिश्यू, जो ऊतक बनते हैं, वो कैसे बनते हैं? एक टाइप की सेल से ज्यादा प्रकार की सेल्स पाई जाती हैं, मोर देन वन टाइप्स ऑफ सेल। यहाँ पर इंग्लिश का मैंने इसलिए दिया है ताकि आपको इसकी टर्मिनोलॉजी बहुत अच्छे से याद हो, आगे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी आप इसको बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। सो ये जो चार्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप अपने नोटबुक में जरूर बनाइएगा। जब हम कॉम्प्लेक्स या जटिल ऊतक की बात करते हैं, तो इसके अंतर्गत दो हो जाते हैं, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम जो है वो जाइलम वेसल्स और ट्रेकियाइट से बनता है, फ्लोएम जो है वो सीप ट्यूब्स और कम्बेनियन सेल्स से बनता है।
इसके अतिरिक्त यदि हम देखें तो स्पेशल ऊतक भी यानी विशिष्ट प्रकार के ऊतक भी पाए जाते हैं। ये स्पेशल टाइप ऑफ ऊतक कहलाते हैं, जैसे कि जो ग्लैंड सेल, जो आकशीरी ऊतक हैं, ये सब इसके अंतर्गत पाए जाते हैं। जो लेटेक्स निकलता है, ये सारे इसके उदाहरण हैं विशिष्ट ऊतक के। ये हर प्लांट्स में जरूरी नहीं है कि मौजूद रहे। नेक्स्ट देखें बच्चों, अब हम इस बेस पर आकर के यहाँ पर जो आपको ये डायग्राम शो हो रहा है वो है द्विबीजपत्री जड़ की आंतरिक संरचना। अलग अलग ऊतक सिस्टम ना पढ़ के हम डायरेक्ट ऐसे पढ़ेंगे तो हमको ये जो एग्जाम की दृष्टि से आंतरिक संरचना जो है टीएस, टीएस मतलब ट्रांसवर्स सेक्शन, एक जड़ का एक रूट लीड, डाइकॉट रूट यानी जैसे चना, जो भी दो जिसके बीज पत्र जो है, जो बीज होता है वो दो भागों में इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होता है, तो द्विबीजपत्री पौधे कहलाते हैं। जैसे चना, मटर, मूंगफली, इनकी जो जड़ है उसका हम यहाँ पर टीएस देख रहे हैं। इसमें यहाँ बच्चों देखो, सबसे पहले रूट हेयर दिखाई दे रहे हैं, यानी जो ऊपर का जो एपिडर्मिस वाला पोर्शन है उसमें क्या है, छोटे छोटे ऐसे एक कोश की ऐसे रूट हेयर दिखाई दे रहे हैं। क्यों? ताकि ये जड़ों से मिनरल पानी को अवशोषित कर सके। नीचे यहाँ पर एक लेयर दिखाई दे रही है एपिडर्मिस सेल की, और एपिडर्मिस सेल आप इस प्रकार बनाएंगे। अभी आप 11th के बच्चे हैं इसलिए आपको सेल्स बनाना भी आना चाहिए। देन यहाँ पर हम देख रहे हैं जो कॉर्टेक्स है वो ग्राउंड टिश्यू से फिलअप है पूरा, तो आप ग्राउंड टिश्यू कैसे गोल शेप के भी बना सकते हैं। तो ये क्या हो गया कॉर्टेक्स। ध्यान रहे कि इनके बनाते समय स्पेस कम छूटना चाहिए, इतने संघनित अवस्था में मिलते हैं, तो ये कॉर्टेक्स लेवल विकसित हो गया। अब इसके बाद अंदर यहाँ पे रूट में एक वास्कुलर सिस्टम है जिसकी ऊपर की लेयर क्या कहलाती है, एंडोडर्मिस। तो एंडोडर्मिस की सेल लाइक दैट इस प्रकार से बनेंगी, ये बन गई एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस के बाद यहाँ पर पेरिसाइकल पाया जाता है, और जो जाइलम है वो रेडियल सिमेट्री में रहते हैं, यानी अरे सममिति में रहते हैं। इसमें क्या होता है, मेटाजाइलम जो होता है वो अंदर होता है और प्रोटोजाइलम जो है वो बाहर होता है। जाइलम सेल्स इस प्रकार से आप ड्रॉ करेंगे, इसके बीच में भी ऐसे जाइलम सेल्स बनाए जाते हैं, और इनके बीच में इस प्रकार से इनकी ट्यूब्स और इसके लिए स्पेस छोड़ा जाता है। तो ये जाइलम, तो प्रोटोजाइलम इसमें बाहर और मेटाजाइलम अंदर दिखाई दे रहा है। तो ये है द्विबीजपत्री जड़ की आंतरिक संरचना। नेक्स्ट देखें बच्चों, अब आ गया टीएस ऑफ डाइकॉट स्टेम, अर्थात द्विबीज पत्री। अभी हमने जड़ जड़ पढ़ी, आप पढ़ेंगे द्विबीज पत्री तने का टीएस, ट्रांसवर्स सेक्शन। यहाँ पर क्या होता है, आप ऊपर देख रहे हैं ये एपिडर्मिस कहला रही है, इसके ऊपर मल्टी सेलुलर एपिडर्मिल हेयर पाए जा रहे हैं। फिलिंग मटेरियल अगेन जो बना ग्राउंड टिश्यू, कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स किससे बना, पैरेन्काइमा और एंडोडर्मिस से मिलके बना। यहाँ पर जो होता है वास्कुलर सिस्टम वो कैसा होता है, खुले प्रकार का होता है, अर्थात यहाँ पर जो पेरिसाइकल में स्क्लेरेन्काइमा है, यहाँ पे फ्लोरेन और मेटाजाइलम, फ्लोएम और जाइलम, फ्लोएम टिश्यू और मेटाजाइलम टिश्यू दोनों के बीच में कैम्बियम उपस्थित रहता है, कैम्बियम रिंग पाई जाती है। यहाँ ध्यान दीजिए मैं क्या बोल रही हूँ, खुले प्रकार का वास्कुलर सिस्टम पाया जाता, अर्थात फ्लोएम और जाइलम जो वास्कुलर टिश्यू है उनके बीच में कैम्बियम रिंग पाई जाती है। आगे देखें तो ये फिर वुड पैरेन्काइमा और पिथ बना लेती है, और इस प्रकार से ये राउंडेड स्ट्रक्चर है, इसका हमने एक पार्ट यहाँ पर लिया है। यहाँ बच्चों ध्यान देने वाली बात यह है कि हर साल इसमें वृद्धि होती है, तो जो पौधे का जो तना है उसके बीच में ऐसी कैम्बियम रिंग बनती जाती है, इससे जो वार्षिक वलन बनाते हैं, क्या बनाते हैं ये वार्षिक वलन। इन वार्षिक वलनों की संख्या को हम गिन करके किसी भी पौधे की आयु बता सकते हैं। दैट इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, जनरल नॉलेज में, कि पौधे की आयु
तने का जो टीएस रहता है उसमें वार्षिक बलनों की संख्या को गिनकर हम क्या बता सकते हैं, पौधे की आयु बता सकते हैं। नेक्स्ट देखें बच्चों, ये जो चित्र है ये है मोनोकॉट रूट अर्थात एक बीजपत्री जड़। अभी हमने इसके पहले पढ़ा था द्विबीजपत्री। एक बीजपत्री में क्या आते हैं, गेहूं चावल मक्का, तो एक बीजपत्री जड़ का टीएस है ये। इनको आपको बहुत ध्यान से कॉपी में बनाना है, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन एक बार जब ये आपके प्रैक्टिस में आ जाएगा तो ये बहुत इजी रहेगा। यहाँ देखिए, यहाँ पे अगेन रूट हेयर, एपिब्लेमा या एपिडर्मिस, बीच में ग्राउंड टिश्यू है कॉर्टेक्स जो पैरेन्काइमा सेल से बना हुआ है। यहाँ पर अगेन एंडोडर्मिस दिखाई दे रही है, फ्लोएम टिश्यू एकांतर क्रम में है, एक बार फ्लोएम फिर जाइलम, एक फ्लोएम और जाइलम, ठीक है। और यहाँ बीच में पिथ मौजूद है। इसमें क्या है, एक बीजपत्री, इसमें मेटाजाइलम अंदर प्रोटोजाइलम बाहर। यहाँ हम फिर से एक कंपैरेटिव पढ़ रहे हैं डाइकॉट और मोनोकॉट रूट के स्टेम का टीएस। यहाँ पर ऊपर जो है वो है डाइकॉट रूट यानी द्विबीजपत्री जड़, द्विबीजपत्री तना, और यहाँ ले लें हम एक बीजपत्री तना या स्टेम, ठीक है। यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर एपिडर्मिस, फिर कोलेनकाइमा पैरेनकाइमा टिश्यू दिखाई दे रहे हैं, एंडोडर्मिस यहाँ से स्टार्ट हो रही, पेरिसाइकल आ गया, यहाँ फ्लोएम टिश्यू, फिर अगेन कैम्बियम रिंग जैसे कि पहले हम समझे, मेटाजाइलम और प्रोटोजाइलम और ये पिथ। इसके विपरीत एक बीजपत्री में क्या हो रहा है, एपिडर्मिस, इसके नीचे हाइपोडर्मिस, वैस्कुलर बंडल है यहाँ पर जिसमें जाइलम और प्रोटोम इकट्ठे बंद प्रकार का संवहन तंत्र है। ये कैसा है, बंद प्रकार का संवहन तंत्र, और ये बीच बीच में मौजूद है। तो ये थे बच्चों एक बीजपत्री जड़ और द्विबीजपत्री तने के टीएस सेक्शन का वर्णन। नेक्स्ट वीडियो में हम आपकी जो फैमिली सोलोनेसी है इसका अध्ययन करेंगे।